नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो इंडियन कल्चर चल रहा है हमारी भारतीय संस्कृति, उसी सीरीज का एक पार्ट है। तो भारत के जो प्रमुख मंदिर मस्जिद है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो मैं इसी के ऊपर बना चुका हूँ, भारत के मंदिर मस्जिदों के ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सम्मिलित करना है, ठीक है। तो जो दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस जगह पर है, तो वह आपका माउंट आबू में, ये ऑप्शन बी, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, लिंगराज मंदिर आपका ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा मतलब भुवनेश्वर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु, और तमिलनाडु का एग्जैक्ट जगह है मदुराई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन चारों के चारों। और महाबोधि मंदिर जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये है बिहार में, और कहाँ पे, बोध गया, ठीक है, बोध गया। और तिलवाड़ा का माउंट ये राजस्थान में, जो जैन मंदिर है ये राजस्थान, ठीक है, ये चारों की जगह राज्य किस स्थान पे हैं ये पता होना चाहिए। मीनाक्षी मंदिर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, मतलब फिर ये सारे इंपोर्टेंट है लेकिन मीनाक्षी मंदिर इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें मिलान करना है, सम्मिलित करना है, ठीक है, सूची वन सूची टू, ये आपके मंदिर है, ठीक है, मंदिर, और ये किस राज्य में है ये बताना है। सबसे पहले रामेश्वरम, ये तो आप सभी जानते होंगे, रामेश्वरम बिल्कुल नीचे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। द्वारका, द्वारका यहाँ पे जो चार धाम की स्थापना की थी शंकराचार्य ने, द्वारका में भी की थी, और द्वारका का गुजरात में है। सारनाथ, जहाँ पे बुद्ध ने मतलब अपने जो उपदेश थे वो दिए थे सारनाथ में, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। ध्यान रखे, अक्सर लोग मान लेते हैं कि सारनाथ जो है वो बिहार में है, बिहार, लेकिन ये रॉन्ग है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और बोध गया है बिहार में। और महाकाल मंदिर ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है, एग्जैक्ट जगह इसकी उज्जैन। और नेक्स्ट है कि सुमिलित नहीं है, कौन सा इनमें से सुमिलित नहीं है, तो गोमतेश्वर मूर्ति ये श्रवण वेगोला में है, कर्नाटक में है ये, कर्नाटक, जहाँ पे मतलब जो क्या नाम था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय बिताया था वो श्रवण वेगोला में बिताया था। ये जैन धर्म से संबंधित एक जगह है, जैन धर्म से, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और अग्रनर सिंह मूर्ति ये आपकी हम्पी में, हम्पी किधर है, ये कर्नाटक में है। महाकालेश्वर मंदिर या फिर से महाकाल मंदिर भी बोलते हैं, ये आपका उज्जैन में है, उज्जैन है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। और वृद्धेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है, ये कोणार्क में नहीं, ठीक है, ये तंजोर में है, तंजोर, तंजोर तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये चारों पता होना चाहिए कि कौन सा है, ये वाला गलत है इसमें, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, वृद्धेश्वर मंदिर कर्नाटक में नहीं है, ये तंजोर तमिलनाडु में। और नेक्स्ट है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। देखिए दक्षिण भारत के दी मंदिरों में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो मीनाक्षी मंदिर ही है, और ये आपके मदुराई में है, मदुराई या फिर मदुरे कहिए, तमिलनाडु में जगह है, वहीं पे मीनाक्षी मंदिर है। नेक्स्ट है कि महावीर के ज्ञान उपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो कहाँ पर है, ठीक है, मतलब जहाँ पे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे, तो वो कहाँ पर जगह है, तो वो है आपका जो राजगृह है, ये यहाँ पे जैनों के लिए एक पवित्र स्थान है राजगृह। शिखर सम्मेद किस धर्म का एक पवित्र स्थल है, शिखर सम्मेद, तो शिखर सम्मेद का संबंध जो है वो है आपका जैन धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म। नेक्स्ट है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, शिव मंदिर का निर्माण देवघर के जो पास है वो कराया था राजा पूरणमल ने, ऑप्शन बी राजा पूरणमल। और नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के जो सप्तरथ मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था, यहाँ के जो मंदिर है महाबलीपुरम के वो रथों की तरह बनाए गए हैं, रथों की तरह उसके क्या करते हैं, रथों की तरह उनमें पहिए लगे हुए हैं, रथों की तरह उनमें जो बम होती है, बम बोलते हैं जो मतलब ये होते हैं ना लकड़ी की बनी होती है बम, वो लगी हुई है, सब कुछ मतलब रथों की तरह है, तो इनका जो निर्माण कराया था वो पल्लव वंश के शासकों ने कराया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, किस वंश के शासकों को जाता है, तो एलोरा का गुफाओं का जो निर्माण कराया था मंदिरों का, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। नेक्स्ट की खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय किससे जाता है, तो ये तीनों ही इंपोर्टेंट है, 74, 75, 76, खजुराहो सबसे ज्यादा आता है, तो जो चंदेल वंश के शासक थे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट की अढ़ाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने कराया, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, अजमेर में, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे बनवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी अजमेर और उसने अपने अजमेर में ही इसको बनाया था, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। बहुत सारी इमारतें हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई हैं, उसमें से सबसे ज्यादा फेमस है
अढ़ाई दिन का झोंपड़ा और एक कुतुब मीनार। हालांकि उसका निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने कराया था, लेकिन उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराई थी। और नेक्स्ट है कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं उसका निर्माण किस शासक ने कराया था, तो उनका निर्माण कराने का जो श्रेय है वो है नरसिंह वर्मन को। ठीक है, ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन। और नेक्स्ट है कि मैसूर के श्रवण बेगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है किसने स्थापित की थी। श्रवण बेगोला मैसूर कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया था कि अंतिम समय यहीं पर बीता था उसका, तो जो इस मूर्ति का निर्माण कराया था वो कराया था चामुंडा राय ने, ऑप्शन डी चामुंडा राय। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार। नेक्स्ट की कश्मीर का मार्तंड मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो मंदिर जो कश्मीर का सूर्य मंदिर है उसके निर्माण कराने का श्रेय है ललित आदित्य को। ये कश्मीर के शासक थे ललित आदित्य, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट की हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, हम्पी कर्नाटक में है और यहाँ पे एक मंदिर जिसका नाम है विट्ठल स्वामी मंदिर, और इसका निर्माण जो कराया गया था वो कराया गया था कृष्ण देव राय द्वारा। कृष्ण देव राय जो कि किस वंश के शासक थे, ये थे तुल्लुक वंश के शासक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर जो सबसे पहले संगम वंश का शासक था, संगम वंश, उसके बाद आया सुल्लुभ वंश, फिर आया तुल्लुभ वंश और फिर आया अड़ुवीड़ वंश। तो तुल्लुभ वंश के शासक थे कृष्ण देव राय। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ये बताइए कृष्ण देव राय जो थे वो किस वंश के शासक थे, तो ये तुल्लुभ वंश के शासक थे कृष्ण देव राय। और हम्पी में जो विट्ठल नाथ स्वामी मंदिर है इसका निर्माण कराया था कृष्ण देव राय ने। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, तो जो याद रखें जो खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। कोणार्क मंदिर जो कि ओडिशा में है और ये भगवान सूर्य को समर्पित है, और इसका निर्माण कराया था पूर्वी गंग वंश के शासकों ने। नेक्स्ट की एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण में किस वंश के शासकों ने पत्थर की कटाई कराकर बनाया था, तो अजंता एलोरा, ये दोनों ही गुफाओं के मंदिर जो गुफा मंदिर हैं इनका एक ही वंश के शासकों ने कराया था। खासतौर पर कैलाश मंदिर इसके सबसे उत्कृष्ट मतलब कृति है, और इनका जो निर्माण कराया था वो कराया गया था जो राष्ट्रकूट वंश के शासक है इनके द्वारा। नेक्स्ट है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण। और जो स्वर्ण मंदिर जो कहाँ पे अमृतसर में, अमृतसर में जो एक तालाब है जिसमें स्वर्ण मंदिर बना हुआ है वो रामदास के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। रामदास ने उसके जलाशय का निर्माण कराया था और अर्जुन देव ने उस स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है, तो जो द्रविड़ शैली का सबसे टॉप उदाहरण है वो है वृद्धेश्वर मंदिर जो कि तंजुवर में है। तंजुवर कहाँ पे, तमिलनाडु में, दैट्स इट। द्रविड़ शैली का सबसे बेस्ट नमूना है वृद्धेश्वर मंदिर। और नेक्स्ट है हमारा कि चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है चामुंडा माता मंदिर, तो ये आपका राजस्थान में है, ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट कि बद्रीनाथ धाम किस शहर में है, तो ये पहली बात तो उत्तराखंड में, सबको मैंने पहले बता चुका हूँ उत्तराखंड में, आपको पता चल गया होगा, तो उत्तराखंड के किस जगह पर है, तो ये है चमोली में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली में है बद्रीनाथ। नेक्स्ट है कि हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था, जब हिंदू धर्म में कांवर लेने के लिए जाते हैं तो हर की पौड़ी से ही अपना जो जल है वो भरते हैं, तो हर की पौड़ी का जो निर्माण कराया गया था वो राजा विक्रम आदित्य ने कराया था, ऑप्शन बी राजा विक्रम आदित्य। और नेक्स्ट है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है, तो किसने कराया था कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में उसका निर्माण, तो उसका निर्माण कराया गया था नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा। ध्यान रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि नागर और द्रविड़ क्या है, ये दोनों शैलियां हैं। ठीक है, नागर और द्रविड़ शैलियां हैं, तो ये मतलब है क्या ये वास्तव में, तो ये भारतीय मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं जो मंदिरों का निर्माण होते हैं। जो नागर शैली दक्षिण भारत में ज्यादा फेमस थी, और जो सॉरी द्रविड़ शैली दक्षिण में और नागर शैली उत्तर में। ठीक है, तो ये दो शैलियां हैं जो मंदिर निर्माण की थी, अलग अलग तरीके से मंदिरों का निर्माण करने के लिए। और नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सीनागाग किस राज्य में स्थित है। अब देखिए सीनागाग क्या है वास्तव में, ये सीनागाग मंदिर है, जिस तरीके से हिंदू जो है वो मंदिर में पूजा करते हैं उसी तरीके से जो यहूदी लोग होते हैं यहूदी धर्म के, वो मंदिर में पूजा नहीं करते, वो करते हैं सीनागाग में। ठीक है, तो जो भारत में सबसे पहले जो सीनागाग का जो निर्माण कराया गया था वो महाराष्ट्र में कराया गया था। ठीक है, हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं हम सभी जानते हैं, मुस्लिम जो है वो मस्जिद में करते हैं, और ईसाई जो होते हैं वो चर्च में करते हैं, और जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वो करते हैं फायर टेम्पल या फिर अग्नि मंदिर होता है उनका पूजा स्थान, जो पारसी लोग होते हैं, और जो
यहूदी होते हैं वो होता है उनका सिनागॉग, और जो सिख लोग होते हैं उनका होता है गुरुद्वारा। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोगों का जो पूजा का स्थान होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो टेस्ट वीडियो इतना ही था, बाकी अगली वीडियो में कुछ बात करेंगे इनके बारे में। तो जितने क्वेश्चन मैं करा देता हूँ उतने मतलब अच्छे तरीके से याद कर लेना, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में डाउट हो किसी में तो कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो। दैट्स इट, वीडियो में इतना ही था।